सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद हो कि आप सब ठीक होंगे गाइस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम लोगों ने एक नए आइलैंड पे जाके नए नए पोकेमॉन्स को पकड़े थे, ठीक है। पहला हम लोगों ने पकड़ा था गाइस रॉबिन को, जो कि इंसानों जैसा दिखने वाला पोकेमॉन को हम लोगों ने पकड़ा। एंड दूसरा हम लोगों ने पकड़ा गाइस रिलैक्सोसॉरस को, जो कि डायनासोर जैसा दिखता है। इसके शक्ल पे कभी मत जाना गाइस, बड़े भोला मासूम सा है, बहुत ही खतरनाक है गाइस। इसका एक हमला ना अच्छा खासा डैमेज करता है। सो गाइस, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बूशी को पकड़ने वाले हैं गाइस, उस लेवल 23 वाले पोकेमॉन को, ठीक है। सुनने में आया वो काफी खतरनाक है, देखते हैं कितना खतरनाक है, हमारे पोकेमॉन से खतरनाक है कि नहीं वो इस मैच के दौरान पता चलेगा। हम लोगों ने टोटल 2 बॉस बैटल जीता है गाइस, चिलेट पोकेमॉन के साथ एंड ग्रिसबोल्ड के साथ। लेट्स गो, देखते हैं आज बूशी के साथ हम जीत पाते कि नहीं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट ठोक दो यार। एंड हम लोग का 200 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। चलते गाइस गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द पैरेलल सीरीज। तो आज हम लोग का तीसरा बॉस बैटल होने वाला है गाइस, क्योंकि आज राइट साइड में आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे एक टास्क मिला गया है, मुझे किसी पैंकिंग बॉस को हराना है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉस रहता है पैंकिंग, उसको हरा के उसको कैप्चर करना, पूरी तरह से मारना नहीं है, ठीक है, उसको कैप्चर करके हम लोग को अपने साथ लेके जाना है। एंड गाइस, पहले ये तो देखो गाइस, ये जगह कितना ब्यूटीफुल सा है। आई थिंक मुझे अपना दूसरा बेस ना यहाँ पे बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला वाला जो बेस है ना गाइस, वो काफ़ी छोटा पड़ गया है अपने पोकेमॉन्स के लिए। पोकेमॉन को ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड गाइस, आज के बैटल में जो लड़ने वाले हैं गाइस, मुसांडा, जो कि काफ़ी ताकतवर हो चुका है, जो कि अपना ताकत दिखा रहा है भाई, छोटे मोटे पोकेमॉन को मार के चौड़ा हो रहा है। तेरी भैंस की यार, तू अंदर आ भाई। एंड दूसरा पोकेमॉन है गाइस रिलैक्सोरस, जो कि हम लोगों ने हाल ही में लास्ट वीडियो में पकड़ा था। अगर आपने लास्ट वीडियो पूरा एंड तक देखा होगा, आपको पता चलेगा गाइस हम लोग इसको एंड में पकड़े थे। ये दिखने में काफ़ी मतलब प्यारा सा है, क्यूट सा है, पर गाय ऐसा नहीं है, ठीक है, काफ़ी तगड़ा। देखो ये देखो, कैटेवी को मार दिया यार, ये भी मुसांडा के साथ रह रहे के पागल हो गया है। एंड गाइस, तीसरा पोकेमॉन होने वाला है, आपको पता ही है गाइस, अपना प्यारा सा टॉमबैट, ठीक है गाइस। एंड मुझे टॉमबैट क्यों पसंद है गाइस, इसने लास्ट टाइम ना सेकंड जब हमारा बॉस बैटल हुआ था ना, ग्रिसबोल्ड की तो छुट्टी छुड़वा दी थी इसने, इसका पॉइजन गाइस अपना पॉइजन और धमाल कर दिया था। एंड चौथा पोकेमॉन होने वाला गाइस रॉबिन ऑफ चिलबुल थांडे, ठीक है। ये भाई मेरे को तो गले कभी लगाता नहीं है भाई, गले लग जाए यार, दोस्त मैं तेरा मालिक हूँ। अरे मालिक नहीं तो दोस्ती सही, अकड़ता है यार ये भी, चल अंदर आ। पांचवा पोकेमॉन है गाइस सबसे तगड़ा, अपना टायरोल, ठीक है गाइस, आज ये भी लड़ेगा, मस्ती कर रहा हूँ गाइस। इसको मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि मैं इसमें बैठ के पूरी दुनिया का राइड कर सकूँ, ठीक है, लेट्स गो। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं गाइस उस पैंकिंग के साथ लड़ने के लिए, लेट्स गो। आई थिंक हाँ यही इलाका है फ्रोजन विंग, तो देखते हैं गाइस ये पैंकिंग कितना ताकतवर होगा। इसको मार के हम लोग को कैप्चर करना है गाइस, पूरी तरीके से मारना नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग ने ग्रिसबोल्ड को मार दिया था, इसको हम लोग नहीं मारेंगे, पकड़ेंगे इसको, लेट्स गो। चल भाई, पहले मैं एरो ऊपर रख लूँ गाइस, क्या पता ये पैंकिंग खतरनाक हुआ तो लगा डालेगा अपनी वाट। एंटर करते हैं, तो हम लोग इसको कैप्चर करना है इस बॉस पोकेमॉन को, देखते कर पाते कि नहीं। यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई, ओके आ गया। अबे 15 लेवल का है रॉबिन, इसको संभाल लेगा भाई अकेले, मैं अब खड़े खड़े मैच देखूंगा। अबे इधर छोटे छोटे पेंगुइन भी है, इनको मैं संभाल लूँगा, कोई नहीं, रॉबिन बॉस को संभालेगा, मैं छोटे मोटे पेंगुइन को संभाल लूँगा। ओके चल आ जा। ओ रॉबिन भाई, पूरी तरीके से उसको मत मारियो भाई, पूरा नारियल फेंक दिया हर जगह, एड़े उसको कैप्चर करना है, अभी मेरे को मार रहा है। अबे छोटे मोटे पोकेमॉन इसकी तो मैं, चल निकल। ओके ये छोटे मोटे जो पैंगुइन है ना, अरे मार मार के रॉबिन उसका पूरा हेल्थ कम कर दिया। अरे पूरी तरीके से मत मार भाई, अपने को पकड़ना भी है रॉबिन, येड़े ये छोटे पोकेमॉन मुझे जाने ही नहीं दे रहे। अबे हटो यार तुम लोग, तेरी तो मैं, अबे पैंगुइन सालो हटो, अबे मार दिया यार इतने जल्दी। अबे रॉबिन उसको पकड़ना था भाई, हमें टास्क मिला था। अबे यार अब ये 1 घंटे बाद ही जागेगा, अबे क्या है यार एक, अबे अबे मैच खत्म हो गया, अबे चिंदू हट यहाँ से, मैच खत्म हो चुका, मैं जीत चुका, अबे फिर भी लड़ रहा है, अबे तू क्या मारेगा मुझे भाई ऐसे, एड़ा अबे मार दिया भाई, छोटे पेंगुइन से मर गया यार, यार कॉमेडी चल रही है यहाँ पे यार। ओके ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं नंगे पुंगे बन के अपने सामान लेने के लिए, ठीक है। और ये साला रॉबिन हुड अपना ना गाइस, मार दिया उस बॉस पोकेमॉन को यार, अपने को टारगेट मिला था उसको कैप्चर करना था, भले हम लोग जीत गए मैच गाइस अच्छी बात है, बट मुझे उस बॉस पोकेमॉन को पकड़ना था, अपने टीम को और स्ट्रांग बनाना था। अब ये 1 घंटे बाद ही जागेगा यार, लेट्स गो, चलते अपने घर की तरफ। ओके एक सेकंड गाइस, क्यों ना मैं आज एक और बॉस बैटल ले ही लूँ, ठीक है। हम लोगों ने टोटल 3 बॉस बैटल जीत लिया है, पहला हम लोगों ने जीता गाइस चिलेट बॉस पोकेमॉन, अभी हम लोग पैकिंग के साथ जीत चुके हैं, सिंडिकेट टावर तो हम लोग जीत ही लिए थे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो बूशी टाइप का जो पोकेमॉन रहता है ना गाइस, सुनने में आया ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, आज सोच रहे इसको भी लपेटे में ले ही लेते हैं, लेट्स गो। ओके तो हम लोग दूसरा बैटल करने जा रहे हैं गाइस बूशी के साथ, जो कि 23 लेवल का है गाइस, काफ़ी तगड़ा होने वाला है, ठीक है। मेरे पोकेमॉन को ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना आजमा लिया जाए अपने पोकेमॉन को इस 23 लेवल के साथ। आई थिंक मुझे ना गाइस थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही है गाइस, हम लोग ऐसे जीत सकते हैं इस बैटल को,
शायद से, हाँ मुझे यकीन नहीं है। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं हम लोग जीत पाते कि नहीं बूशी के साथ। लेट्स गो, एंटर करते हैं। ओके कौन है बूशी? ओ भाई ये बूशी है, अभी तो चाइना गेट से है क्या? हेलो चल रॉबिन उसे मार, दिखा इस बूशी लेवल को। अबे 23 लेवल का, आराम से जीत जाएंगे, कोई नहीं, इतना खतरनाक तो नहीं लग रहा भाई। ओ भाई भाई बहुत डेंजर है भाई, पत्थर के पीछे छुप जा। हेलो पत्थर, हाँ भाई क्या ही मारा तलवार से भाई, कौन है ये? खाना 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 खा लो भाई, पहले तो खाना खाओ। हेलो शिट, अबे हराम कोर खाना तो खाने दिया होता, अबे क्या पागल है गाइस, ऐसा थोड़ी ना होता कोई बंदा खाना खा रहा बीच में से तुम उसको मार रहे हो यार, पाप मिलेगा साले बूशी दर को। हराम कोर बच्चे के मुंह से निवाला छीन लिया, तेरी भैंस की आग। इसको मैं वापस लड़ेगा गाइस, मैं तैयार नहीं था, मैं वापस लड़ने जा रहा हूँ। हेलो तेरी भैंस की आग। ओके वापस आ रॉबिन, चल मार इसे, तू 20 लेवल का रॉबिन, मार इसे तू जीत सकता है। ये क्या बूशी कर लेगा अपना, तेरी भैंस की आग। चल चल निकल निकल निकल। अबे फिर, अबे कौन है बूशी भाई, कौन से चाइना गेट से लाया गया ऐसे, अबे एक ही शॉट में खत्म कर रहा है यार। शिट हम लोग नहीं जीत सकते भाई, यहाँ से निकलो निकलो भाई यहाँ से, बाद में आऊँगा लड़ूंगा यार। ये क्या है, ये कौन है भाई, 23 लेवल का है भाई, बहुत खतरनाक है बूशी, बॉस लेवल। ओके एक सेकंड, ये कौन सा पोकेमॉन है? वो 19 लेवल का यार, इसे पकड़ लेते हैं, इसको बूशी के साथ लड़वाएंगे। चल भाई आ जा, चलो भाई बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है यार शेंट। ओके भाई चल मार डियर। ओ भाई मेरे डियर ने एक और शॉट सीख लिया भाई हमला, क्या बात है, सही है जीत सकते हैं। चल रिलैक्स और तू मार, अपना डियर तो घायल हो गया, लेट्स गो। रिलैक्स और इसको एक ही झटके में खत्म करेगा। ओ भाई इसका हेल्थ ही खत्म कर दिया भाई रिलैक्स। अभी कौन मार रहा है भाई पीछे से आग? हेलो कोई तो मारा पीछे से आग, पता नहीं। ओ डॉग भी आ गए भाई इधर मारने के लिए, लेट्स गो। आजा आजा आजा, पकड़ लिए पकड़ लिए, लगभग हो गया, क्या बात है 19 लेवल का पोकेमॉन पकड़ लिया, चलो कुछ तो आके लेके गए हम लोग। ओके गाइस तो हम लोग अपने बेस की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे अपना आर्मर रिपेयर करना है, अपना आर्मर डैमेज हो चुका है इस बैटल के साथ, ठीक है उस बूशी के साथ भाई, आर्मर को रिपेयर कर दिया है और हथियार को भी रिपेयर करना है, बस लकड़ियाँ चाहिए। चलो कोई नहीं, तो आज मुझे ना गाइस शैडल बनाना है नाइट विंग का, जो हम लोग दो वीडियोस में बोला आज तक मैंने बनाया नहीं, तो उसके लिए मुझे क्लोज चाहिए, लेट्स गो। तो पहले मुझे क्लोज बनाना है गाइस, शैडल बनाने के लिए अपने पास सारा मटेरियल रेडी है गाइस, शैडल बनाने के लिए बस क्लोज बनाने। देखो गाइस अगर हम लोग को बूशी का बॉस बैटल जीतना है और उसको कैप्चर करना है, तो मुझे थोड़ा बहुत प्लानिंग करना होगा, ठीक है। पहला तो मुझे अपना शील्ड बनाना होगा अपने लिए, ठीक है, उसका एक अटैक ना गाइस मेरा पूरा हेल्थ कम कर देता है। ओके तो अपना कपड़ा बन के रेडी है गाइस, तो आज मुझे ना गाइस कुकिंग पॉट भी बनाना है अपने पोकेमॉन्स के लिए, जो कि लोग खाना पका के खा सके, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अपने को लकड़ियाँ चाहिए, लेट्स गो। लकड़ी अपना रेडी होगा आई थिंक। ओके तो दोनों मिलकर लकड़ी तोड़ रहे गाइस, अपना लकड़ी भी रेडी हो चुका है। ओके तो मैं ना गाइस सैडल बना लेता हूँ अपने नाइट विंग के लिए, जो कि मैं दो वीडियो से बोल रहा हूँ गाइस, तो मैं सैडल बनाने वाला तो मैं तक बनाया नहीं हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग नाइट विंग का सैडल बनाएंगे, जो कि बहुत टाइम लग रहा है भाई। हेलो देखो गाइस दो आ गए भाई, पोकेमॉन भी आ गए मेरी मदद करने के लिए, फिर भी इतना समय लग रहा है भाई, ऐसा तो पूरा रात बीत जाएगा यार, पूरा समय हो जाएगा अपना, तो अपने को दूसरा काम भी करना है। ओके गाइस तो रात धीरे धीरे होने वाली है, ठीक है, एंड हमारा लकड़ियाँ भी रेडी हो चुका है, ठीक है कुकिंग पॉट बनने के लिए। एंड ये देखो गाइस अपना सैडल भी अभी तक बन के रेडी नहीं है, इतना टाइम टेकिंग लग गया गाइस, रात भी हो चुका है गाइस, एंड अपना पोकेमॉन भी सब लोग सोने जा चुके हैं, क्या बात है, अब भी जाके अपना सैडल रेडी हुआ। ओ देखो गाइस, अरे पेंगुइन पैड में जाके सो जा भाई, देखो ठंडी लग जाएगी। ओके रात काफ़ी ब्यूटीफुल सा है गाइस, एंड ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है गाइस, तो मुझे अपने पोकेमॉन के लिए गाइस एक हीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लोग रात में ऐसा सोते हैं ना उनको ठंडी लग जाती है, चलो कोई नहीं हम लोग हीटर का भी इंतजाम कर ही देंगे। एंड गाइस मैं आपको अपने बेस का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ, ठीक है। ओह देखो फॉक्सी किसको आग दे रही है, हेलो आग पहले से जला हुआ है वहाँ पे। एंड ये हमारा छोटा सा ब्यूटीफुल सा बेस गाइस, मैं थोड़ा ना इसको शिफ्ट करने वाला हूँ। एंड ये है गाइस एग इंक्यूबेटर, जो अभी तक मैंने छोटे मोटे एग्स रखता हूँ गाइस, मुझे अभी तक कोई लेजेंडरी एग नहीं मिला है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पैर आराम से रूम में आके सो सकते हैं, यहाँ पे हम लोग के लिए मैं बेड बनाया हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग का खुद का बेड है जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग खिड़की बनाए जहाँ से ताज़ी ताज़ी शुद्ध हवा आती है। लेट्स गो तो हम लोग कुकिंग पॉट बनाने रेडी कर देते गैस, तो सुबह सुबह हम लोग के पोकेमॉन अच्छा अच्छा खाना खा सके, गरम गरम खाना खा सके, कच्चा पक्का हम लोग खाना खाते हैं ना, लोग को दिक्कत हो जाता है, ठीक है लेट्स गो। भाई इसको ये भी टाइम टेकेंगे गैस, ये भी बहुत समय लगेगा इसको बनाने के लिए। तो लास्ट वीडियो मुझे कुकिंग पॉट मिल ही नहीं रहा था गैस, तो हम लोग को 20 लेवल पर जाना था तब ये कुकिंग पॉट खुलता था। ओके लेट्स गो लगभग हो ही जाएगा, एंड रात काफ़ी हो चुका है गैस, ठंडी भी गैस धीरे धीरे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो मुझे ना अभी हीटर की भी ज़रूरत है, तो मेरा टास्क आज ये भी रहेगा गाइस, मुझे हीटर भी लगाना है, ठीक है। एंड लेट्स गो अपना कुकिंग पॉट रेडी हो चुका है, चलो भाई कुछ कुक करके देखते हैं कि जैसे आई थिंक यहाँ पे चिकन है, चिकपी है, ओके लेट्स गो इसको कुक कर दे। ओह तो ऑटोमेटिक कुक हो रहा है गाइस, ये सही है, मुझे लगा फिर से मुझे कुक करना पड़ेगा,
एंड गाइस ये है वुडन चेस्ट जहाँ पे हम लोग ढेर सारे सामानों को ना स्टोर करके रख सकते हैं। एंड गाइस ये है पैल्स गियर बेंच, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पोकेमोन के लिए ना सैडल बना सकते हैं जिसपे हम लोग पोकेमोन के ऊपर बैठ के राइड कर सकते हैं। एंड गाइस ये है पैल्स पैर जहाँ पे हम लोग ढेर सारे पोकेमोन के लिए पोकी बॉल बना सकते हैं उनको कैप्चर करने के लिए, जैसे कि मैं बना रहा हूँ बन के भी रेडी हो गया, कितना फास्ट बनता है ना। एंड ये गाइस खेती बाड़ी अपना छोटा था, यहाँ पे हम लोग रेड बीन उगा सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं वापस उस आइलैंड पे जाने वाला हूँ जहाँ पे हम लोगों ने बूसी साथ फाइट किए थे, ठीक है। मैं बूसी साथ फाइट करने नहीं जा रहा हूँ गाइस, वहाँ पे नए पोकेमोन्स निकलते हैं रात को, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं उस आइलैंड पे वापस आ चुका हूँ जहाँ पे हम लोगों ने बूसी साथ फाइट किए थे। ये देखो ये कौन से पोकेमोन है भाई, एक सेकंड गाइस, मैं पहले अपना आर्मर पहन लेता हूँ, ठीक है, वरना क्या पता यहाँ पे कौन सा पोकेमोन मिल जाए अपने साथ भिड़ जाए। लेट्स गो। अबे कौन मार रहा है भाई, हेलो, अबे कुत्ते लोग क्यों मार रहे भाई मेरे को। एक सेकंड गाइस, मैं पहले आग जला लेता हूँ, लेट्स गो। ओ अब जाके थोड़ी गर्मी मिली गाइज, काफ़ी ठंडी बढ़ गई थी भाई रात के समय। ओके तो धीरे धीरे सुबह होने वाली है गाइज। एंड ये देखो गाइज, हम लोग को थोड़े समय पहले यही मिले थे ना पोकेमोन, इसको पकड़ते हैं। चल मुसांडा जा मार इन लोगों को भाई, 17 लेवल के भाई ये पोकेमोन, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। लेट्स गो, चला जा। मैं रात को इसलिए आया हूँ गाइज ताकि मैं सारे पोकेमोन को पकड़ सकूँ और बूशी के साथ भिड़ा सकूँ मैं। क्या बात है गाइस, 17 लेवल वाले पोकेमोन को पकड़ लिया। लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं अभी, ठीक है, अपने को भिड़ना नहीं है। चलो भाई, हम लोग को बूशी के साथ भी फाइट करने के लिए तैयारी भी करनी है। भाई ये कौन सा पोकेमोन है, इस पोकेमोन का नाम क्या है, लूप मून। ओके उसने मुझे देख लिया, हेलो, शिट शिट शिट, क्या मुझे इसे लड़ना चाहिए। एक सेकेंड वापिस आ, मुसांडा तू जा, आई थिंक मैं इन लोगों को भी पकड़ सकता हूँ भाई। दो लजाने यार, एक 15 लेवल का एक 18 लेवल का है। ओके मुझे 18 वाले को पकड़ना है, 18 लेवल वाले को भाई, मुसांडा 18 लेवल को ज़्यादा मारियो मत। ओके ओ भाई पकड़ लिया पकड़ लिया। एक सेकंड, 15 लेवल का है कि 18 लेवल का है, पता नहीं यार। ओके 18 लेवल का ही था वो, नहीं नहीं 15 लेवल का था भाई। भाई निकल निकल, ओए वो क्या पावर है इसके पास भाई, ये पोकेमोन चाहिए मुझे, ये 18 वाले लेवल का, मुझे 15 वाला नहीं चाहिए। लेट्स गो, 18 वाले लेवल को पकड़ लिया हम लोगों ने। आ जा लगभग आ गया, लेट्स गो, आ जा नखड़ा मत कियो। चलो भाई, दो यूनिक पोकेमोन पकड़ लिया, सुबह भी होने वाली है, हम लोग चलते अपने बेस की तरफ, तैयारियां भी करनी है अपने को। लेट्स गो। ओके गाइस, हम लोग वापस अपने बेस की तरफ आ चुके हैं। एंड गाइस ये देखो, हम लोग कितने खतरनाक पोकेमोन को पकड़ के लेके आ गए भाई, इसका नाम है लूप मून गाइस, ठीक है भाई, काफ़ी तगड़ा पोकेमोन है, आपने देखा होगा रात के समय क्या फाइट कर रहा था। ओके भाई खुश हो गया, चल वापस आ जा तू अंदर। एंड दूसरा हम लोगों ने पकड़ा गाइस इस कौवे टाइप पोकेमोन को, भाई भाई कितना तेज भाग रहा है, हेलो इधर आ इधर आ, तेरे को पैट करने थे भाई, काफ़ी तगड़ा पोकेमोन है, ठीक है। मैं इसका अटैक अभी तक देखा नहीं, मैंने इसके ऊपर तुरंत बहुत फेंक के ना पकड़ लिया था मार के। लेट्स गो, इसका अटैक क्या होने वाला। ओ भाई गायब हो गया भाई, क्या चला, कहाँ चल गया, हेलो। ओके तो उन लोग अनजान पोकेमोन के साथ लड़ने लग गया भाई, भाई एक ही शॉट में ख़त्म भाई, फिर से गया। ओ भाई गायब गायब होके मारता है भाई ये पोकेमोन, भाई सही पोकेमोन पकड़ के लाया हूँ मैं तो। लेट्स गो, फटाफट एरो बना लेते गाइस, पॉइजन एरो। तो भी आप लोग बोलोगे कि मैं पॉइजन एरो क्यों बना रहा हूँ, भूसी के साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है गाइस, उसको पकड़ने के लिए हमें तैयारियां कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं एरो बना रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग शील्ड बनाएंगे, ठीक है। लेट्स गो, अपना बन के रेडी हो चुका है। एंड ओहो काफ़ी गाइस, मैं अपने बैग में इतना सारा सामान लेके घूम रहा हूँ, तभी बैग भारी लग रहा है, तो मुझे ना वुडन चेस्ट भी बनाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। उसके लिए मुझे लकड़ियाँ चाहिए, चले लकड़ी काट। एंड गाइस मुझे आज ना अपने पोकेमोन के लिए हीटर बनाना है, क्योंकि आपने रात को देखा होगा मेरे पोकेमोन ठंडी से ना गाइस कांपते रहते हैं, ठीक है। ओ भाई इसने काफ़ी लकड़ी जमा कर लिया, हेलो बैग भारी हो चुका है मेरा। लेट्स गो, इस लकड़ी को यहाँ पे रख देते, बैग काफ़ी भारी हो चुका है, ठीक है। तो आज मुझे शील्ड बनाना है अपने लिए गाइस, ठीक है, एंड हीटर बनाना है अपने पोकेमोन के लिए। पहले हम लोग हीटर बनाएंगे, चले इधर आ, चल पत्थर तोड़ मेरे साथ। ओके यहाँ पे पत्थर तोड़, मुझे पत्थर चाहिए हीटर के लिए। तो मुझे हीटर के लिए ना गाइस पत्थर चाहिए, चाकोल चाहिए एंड आयरन चाहिए। ओके गाइस, तो मुझे हीटर बनाने के लिए ना गाइस मुझे चाकोल चाहिए और आयरन चाहिए। तो चाकोल अपना रेडी है गाइस, ठीक है, तो बस अपने को आग देना है। तो अपने को आयरन के लिए ओर से इकट्ठा करना पड़ेगा। लेट्स गो, तो अपना फॉक्स ही आग दे रही है, ठीक है, चाकोल बनाने के लिए रेडी कर रही है। ओके तो मुझे आयरन चाहिए, तो आयरन इकट्ठा करने के लिए अपने को ओर्स चाहिए। तो मुझे ओर्स इकट्ठा करने के लिए एक पत्थर को तोड़ना पड़ता है गाइस, ठीक है। वो पत्थर मैंने यहीं कहीं देखा था, कहाँ पे चला गया। ओके तो ये रहा गाइस, तो मुझे ना ये पत्थर को तोड़ने से ना मुझे ढेर सारे ओर्स मिलते हैं, और जिससे हम लोग ढेर सारे आयरन इकट्ठा कर सकते हैं। एंड गाइज ये पत्थर ना मेरे बेस से थोड़े दूर रहते ना, तो मुझे कैरी करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो बैग ज़्यादा भारी हो जाता है, ठीक है। ये देखो अपना बैग भारी होने वाला है, कोई बात नहीं, हम लोग डॉग के ऊपर बैठ के चलेंगे। लेट्स गो, चल डॉग आ जा। अबे कहाँ जा रहा है, हेलो मुझे तेरे पर बैठना है भाई, हेलो चल लेट्स गो। ओ भाई मेरा डॉग भी धीरे धीरे भाग रहा है। लेट्स गो, ओर्स को यहाँ पे रख देते हैं। लेट्स गो, अपने को और भी इकट्ठा करना है। क्या अपना चाकू रेडी है क्या, एक बार देख के आते हैं। ओके तो अपना चारकोर तो रेडी है गाइस, ठीक है, नॉट बैड, इसको ले लेते हैं। चल भाई, तो अपने को ना गाइस अपने को आयरन चाहिए, तो वापस मैं आ चुका गाइस
और उसको इकट्ठा करने के लिए तो अपने को 20 आयरन चाहिए गाइस। ठीक है, लेट्स गो। चल चल चल, तोड़ दो और तोड़। काश ये पत्थर अपने बेस के साथ थोड़ा नज़दीक रहता तो अच्छा रहता यार, अपने को दिक्कत हो रहा है यार बार बार यहाँ पे आने को। चलो कौन है वो भाई, मेरा डॉग एकदम स्लो हो चुका है भाई। डायर वॉल को देखो गाइस, धीरे धीरे चल रहा है। वो भी सोच रहा होगा किस गधे को बैठा लिया अपने ऊपर। भाई साहब पूरा बैग भारी हो गया, तो मुझे खाली करना पड़ेगा बैग। एक सेकेंड, यहाँ पे रखते हैं, लेट्स गो। चलो चलते हैं, पहले खाली करके आते हैं बैग को। लेट्स गो। ऑलराइट, ओके। तो अपने को और चाहिए, और यहीं पे मैंने छोड़ा था। ओके लेट्स गो, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके तो मुझे ना गाइस, अब मुझे ना चेस्ट बनाना है अपने लिए। ठीक है, ये देखो गाइस, इतने सारे फालतू के सामान मैं लेके कैरी कर रहा हूँ तो बैग फुल होएगा ही होगा। तो मैं चेस्ट बनाना रेडी करता हूँ। ठीक है, चेस्ट चेस्ट चेस्ट, अपने पास ढेर सारी लकड़ियाँ हो चुका है। लेट्स गो, यहाँ पे रखते चेस्ट। चलो और यहाँ पे एक, यहाँ पे ओके ओके, एक पीछे साइड लगा देते हैं। ओके तो मटेरियल ख़त्म हो चुका है गाइस। चलो कोई नहीं, तीन चेस्ट अपना काम हो ही जाएगा, मान लो फिर कभी बना लेंगे चेस्ट। ओके लेट्स गो, फटफट मेरे साथ बिल्ड कर दो भाई। ओके बिल्ड करके रेडी हो चुका है गाइस। लेट्स गो, फालतू के सामान में गाइस रख देता हूँ, खाली कर देता हूँ अपना बैग। ठीक है, खाली वो इतना फालतू से सामान लेके चल रहा हूँ। ओके चलो भाई, काफ़ी कीमती सामान भी है, फालतू नहीं है गाइस, सारे सामान कीमती है, लेकिन एक्स्ट्रा लगेज मेरे को कैरी नहीं करना है, चेस्ट में रख दूंगा तो अच्छा रहेगा ना अपने लिए। और मुसांडा लकड़ी रेडी है, अपने को हीटर बनाना है। ओ भाई 135 लकड़ियाँ इसने तोड़ लिया, पूरा बैग भारी हो गया भाई। भाई मुझे एक ही हीटर बनाना है, 10-10 हीटर नहीं भाई। इधर लकड़ी रख दो भाई, कहाँ है लकड़ी, है लकड़ी लकड़ी लकड़ी, हेलो कहाँ पे, क्या ये रहा लकड़ी। लेट्स गो, यहाँ पे रखते हैं भाई, पूरा 135 लकड़ियाँ तोड़ लिया उस मुसांडे के बच्चे ने। ओके लेट्स गो, तो अभी मैंने कहा शील्ड बना रहा हूँ अपने लिए, ताकि हम लोग कल जाके बूशी के साथ फाइट करें और उसको कैप्चर भी करेंगे गाइस। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है लेट्स गो, तो अपने को शील्ड बनाना है अपने को। ओके काफ़ी समय लगा थोड़ा सा। अच्छा वो हाई क्वालिटी बेंच हम लोग ने बिल्ड कर लिया गाइस, ये तो वर्किंग बेंच में, नॉर्मल बेंच में कर देना 2 दिन लग जाता अपने को बिल्ड करने में शील्ड। लेट्स गो, चलो भाई थैंक यू पेंगुइन मदद करने के लिए। लेट्स गो गाइस, देखते अपना पोकेमॉन का अंडा रेडी हुआ कि नहीं। ठीक है हो गया, अपना पोकेमॉन का अंडा रेडी हो गया गाइस। ये लास्ट एग ना गाइस मेरे चेस्ट में कब से पड़ा था, तो मैंने इसको यूज ही नहीं किया था। लेट्स गो, देखते इसमें से कौन सा पोकेमॉन निकलता है। नॉक्स कोई पोकेमॉन निकला है। ओके पता नहीं ये कौन सा पोकेमॉन, लेवल 1 की है। ठीक है एंड गाइस मुझे थोड़ा साइकिक जैसी पोकेमॉन लग रही है। ठीक है लेट्स गो, इसको बाहर निकालते हैं। चल आ कैसी है तू। ओके काफ़ी क्यूट है यार, शीट आई थिंक मुझे साइकिक पोकेमॉन लग रही है गाइस। ठीक है लेट्स गो, अपना आयरन भी रेडी हो चुका है गाइस, अब मैं हीटर बना सकता हूँ। लेट्स गो, तो मैं हीटर कहाँ पे बनाऊँ। ओके आई थिंक मुझे हीटर यहाँ पे सेंटर में, नहीं नहीं सब लोग पोकेमॉन जल जाएंगे गाइस, जलते जलते लोग खाना खाते। और मुसांडा देखो गाइस सो रहा है यार, ये देखो कैसे सो रहा है महाराजा जैसा। लेट्स गो, मैं इसको यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ। चलो ओ भाई 1 मिनट लगेगा गाइस इसको बिल्ड करने के लिए, और मेरे सारे पोकेमॉन ना गाइस अभी सो चुके हैं। ठीक है रात हो चुका है एंड ये देखो गाइस मुसांडा देखो कैसे सो रहा है भाई, महाराजा समझ रहा है अपने आप को। ठीक है महाराजा जैसा सो रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार ये बिल्ड हो गया ना गाइस हीटर, तो सब लोग ना ठंडी से बच जाएंगे, मेरे सारे पोकेमॉन ठंडी से कांपेंगे नहीं। चलो क्या बात है, काफ़ी कूल लग रहा है हीटर। ओके गाइस, तो अपना हीटर रेडी हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस पोकी बॉल बनाने के लिए कल के मैच के लिए। ठीक है तो मैं 2 मेगा स्पेयर बना रहा हूँ, ताकि मैं बूशी को कैप्चर कर सकूँ इसमें। लेट्स गो, अब 2 मेगा स्पेयर काफ़ी रहेगा अपने लिए, एंड हम लोग रात भर काम कर रहे थे गाइस। ठीक है हम लोगों ने कॉमन शील्ड बनाया, पोकेमॉन के लिए हीटर भी बना दिया। ओके गाइस, तो सुबह हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट बैटल के लिए बूशी के साथ लड़ने के लिए। ठीक है और मैं इसको आज कैप्चर करके रहूँगा। लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं नाइट विंग में उड़ते उड़ते आ चुका हूँ इस बॉस बैटल के लिए, एंड अपने नया कॉस्ट्यूम देखो गाइस, मस्त ना, ये हीट वाला कॉस्ट्यूम है। ये भाई ये नाइट विंग किसको भी मारता रहता है यार, पागल है। ओके लेट्स गो, चलो चलते हैं, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। सारे पोकेमॉन पेट भर के खाना खा लो, क्योंकि आज हम लोग मार खाने वाले हो। ठीक है मस्ती कर रहा हूँ, आज हम लोग बूशी को मारेंगे और उसको कैप्चर करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके जब मैंने लेवल 15 को हरा दिया, इलेक्ट्रिक बोल्ट को हरा दिया भाई क्रिस बोल्ट को, तो ये बूशी किस चीज़ का है, लेवल 23। चल टॉम बैट तू जा, इसको हम लोग कुत्ते की तरह मारे। ये स्टैंड भाई, हट जा हट जा। ओके बच गया, अपने कॉमन शील्ड पेंट किया है गाइस, कुछ नहीं उगड़ पाया, शील्ड अपना काम कर गया। लेट्स गो, चलो भाई वापस मार टॉम बैट इसको, तो मैं स्ट्रैटेजी से लड़ूंगा इससे। ठीक है जब ये स्टैंड लेता है ना गाइस, तो मुझे उसके स्टैंड से पीछे हटना है। ठीक है ये जब भी स्टैंड लिया ना, तो यानी वो तेज़ी से आएगा अपनी तरफ मारने को, तो मुझे एरो मारते रहना है गाइस, अपने को पास एरो की भी कोई कमी नहीं है अब। ओके ओ बी शिट, देखा गाइस मारो साले को इसकी भैंस की, एरो पे एरो देता रहूँगा, यही मौका है, मार दे भाई मार दे। लेट्स गो, थोड़ा दूर हट जाता हूँ, ज़्यादा करीब से मारूँ बहुत मारेगा। ओके ऑलराइट, चल वापस आ टॉम बैट, चल 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 मार इसे,
फिर से स्टैंड लिया, हट जा, ओ शिट भाई, पूरा हेल्थ कम कर दिया, अपना शील्ड भी टूट गया भाई। अब शील्ड को रिकवर करने के लिए अपने को पहले रिकवर करना होगा हेल्थ को। चल भाई निकल, मुझे दीवार के पीछे से लड़ना पड़ेगा और कहीं भाग नहीं सकता मैं भाई। ये मेरे पीछे पड़ा है हाथ धो के भाई। ये पोकेमोन को समझ में क्यों नहीं आता, इन्होंने पोकेमोन नहीं देखा है क्या? हाँ, पोकेमोन के साथ लड़ते हैं, ये उसके मास्टर के साथ नहीं लड़ते। ओके, तो हम हेल्थ तो काफ़ी कम कर रहे हैं इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, जीत जाएंगे आई थिंक सो। भाई साहब क्या ही मार रहा है यार, मेरा एरो खत्म हो चुका है गाइस, अब मुझे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। शेट यार, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोल के साथ भी यही काम किया था गाइस, अपना एरो उसमें भी खत्म हो गया था, उस क्रिज बोल्ट के। एरो अच्छा खासा तो बनाया था यार, पर कैसे खत्म हो गया? टॉम्बेट तू आ, रॉबिन तू जा, लेट्स गो। भाई मेरे पास अब एरो भी नहीं है गाइस, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, ठीक है, तो मुझे अपने आप को दूर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब मुझे ना पोकेमॉन्स के सारे लड़ना है, वो तो मेरे पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। हेलो जा रॉबिन मारू से, एक सेकंड, मेरे पीछे क्यों आ रहा है तू भाई? ये सही में लोग ने पोकेमॉन देखा ही नहीं है, लोग साले मेरे से लड़ रहे हैं, हराम खोरो। मार रॉबिन यार, जी सकते हो, हम लोग अच्छा खासा उसका हेल्थ है भाई। शिट, ओ भाई उसने मेरा पूरा शील्ड तोड़ डाला, रिकवरी किया था अच्छा खासा मुश्किल से भाई। से कौन से अटैक नहीं है गाइस, स्नो अटैक है, फायर अटैक है, कभी लीव अटैक कर रहा है ये देखो, और उसके पास स्पीड अटैक भी है, एक स्टैंड लेता है और तेज़ी से आके अपने को मार के चला जाता है। ओके मेरे पीछे आ रहा है, रॉबिन जा मार उसे। आई थिंक मुझे ना मैच छोड़ के भाग जाना चाहिए गाइस, अपने को फील्ड कभी आना चाहिए, ठीक है भाई। दीवार के पीछे छुप, अच्छा खासा हेल्थ खत्म किए गाइस, यार जीत सकते हैं हम लोग यार। शिट, एक हमले में रॉबिन गया गाइस, अपना रॉबिन चला गया, मैंने लूप मून को भेज दिया, अभी पता नहीं लूप मून जीता पाएगा कि नहीं अपने को। ओ भाई लूप मून का भी हेल्थ डैमेज होने वाला है, मार लूप मून यार, जीत सकते यार। शिट यार, बस थोड़ा दिमाग लगा। फिर से स्टैंड लिया, भाग। ओ शिट, ये जब भी स्टैंड लेता है ना गाइस, अपनी लग जाती है, ठीक है। चल मुसांडा, अब मुझे तेरे पर विश्वास है, मार इसे, झटका दे इसको, एक एक से झटका दे। ओ भाई क्या ही मार रहा है मुसांडा, सही है भाई, लेट्स गो। कोने में दबोच, यस सही में कोने में, धर ले साले को, लेट्स गो। ओके मार, अबे मार ना, मार क्यों नहीं रहा है, अरे पागल है, अरे क्या खड़े खड़े देख रहे हैं मुसांडा, अरे मुसू, अबे शिट, वापिस आ मुसांडा, मार उसे यार, इलेक्ट्रिक का झटका दे उसे, वह मेरे ऊपर हमला कर रहा है गाइस, उसको पता चल गया मेरे पास हथियार नहीं है। शिट मार उसे भाई, मुसांडा मार मेरे भाई, जीत सकते हैं यार। चल मुसांडा को तो कुछ हुआ भी नहीं है गाइस, उसका हेल्थ भी कम नहीं हुआ है। ओ भाई मेरा हेल्थ तो ज़रूर कम हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, खड़े खड़े मैच देख रहा हूँ यहाँ पे। चल मुसांडा मार उसे, चल, एक और झटका, बस एक और, ज़्यादा नहीं मारना है उसको, मारना नहीं, अपने को कैप्चर भी करना है। एक झटका और दे दे, झटका दे दे, चल। ओके ओह बस, मुसांडा वापस आ, उसको मारना नहीं है, तेरी भैंस यार, चल पकड़ ले उसे, लेट्स गो, आजा। अबे यार नहीं आ रहा यार, शिट, मुसांडा इधर आ, वापिस जा, चल आ जा, नहीं, वापिस आ, तू उसको पूरा मार देगा, वापिस आ, इसको मैं खुद ही पकड़ लूँगा, चल आ जा, प्लीज़ आ जा, मुसांडा को भेज देता हूँ मैं गाइस, अगर आया तो मार दूँगा उसको मैं। चल, मुसांडा तो मर गया था गाइस, लेट्स गो भाई, फाइनली बुशी को पकड़ लिया यार, क्या बात है यार, नॉट बैड भाई यार, हम लोग अच्छा खासा मैच जीत जाते गाइस। मैंने खाली फुकड़ा ध्यान नहीं दिया मैच में ज़्यादा, ठीक है। उसका ना गाइस सबसे बड़ा अटैक क्या था गाइस, स्पीड अटैक, बाकी उसके पास कोई अटैक नहीं था, ठीक है। लेट्स गो, हम लोग चलते अपने बेस की तरफ। भाई साहब हम लोग ने क्या एक खतरनाक पोकेमॉन पकड़ के लेके आ गए यार, अपने सारे पोकेमॉन घायल हो चुके हैं, ठीक है, सारे नहीं, दो ही घायल हुए, ठीक है, एक मुसांडा और अपना रॉबिन। और बूशी कहाँ है, बूशी, ये रहा बूशी, लेट्स गो बूशी, बाहर निकल, चला जा। हेलो बूशी कहाँ पे, अच्छा हमने निकाला ही नहीं अभी तक। ओ भाई काफ़ी बड़ा है ये तो यार, काफ़ी बड़ा बूशी पकड़ लिया हम लोगों ने। ओके भाई कौन सा मंचूरियन खा के पैदा हुआ था तू? हेलो भाई, इसका एक अटैक ना गाइस तबाही मचा डालता है। ओके ओ देखो अभी किसको तो मारने गया, ओ डियर को मार रहा भाई, भाई नज़र डियर पे रखो, नज़र डियर पे रखो गाइस, ये देखो जूप, एक ही शॉट में खत्म डियर भाई, मेरे पर आए, अब भाई जम जो भाई मेरे पर हमला कर रहा है, मेरे सारे पोकेमॉन को मार डाले भाई, खत्म इसकी कहानी भाई, काफ़ी खतरनाक पोकेमॉन पकड़ के लेके आ गए बूशी को। लेट्स गो गाइस, तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे गाइस एक और पोकेमॉन को पकड़ने के लिए, वो है
नाम क्या है, ये किंग पाका। कहाँ गया वो किंग पाका? हेलो, ये रहा, नेक्स्ट वीडियो में ये है।